सच है तो दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11। मैं हूँ राजदा हुसैन। हर इंसान के अपने कुछ सपने होते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए कुछ लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, कुछ हार मान जाते हैं। लेकिन हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो पीछे बिल्कुल भी ना हटे, हर मदद के लिए हाथ आपके पास आएंगे अगर आपके सपने पूरे करने के पीछे आपकी जीतोड़ मेहनत है तो। और ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं और आज लगभग उनका सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं चेन्नई की राधिका राव की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मोटर बाइक पर वो भारत भ्रमण पर निकली हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है राधिका आपका। थैंक यू। राधिका एक बहुत ही कह सकते हैं कि जोशीला और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम है जो बाइक से भ्रमण पर आप निकली हैं। कैसे इसकी शुरुआत आपने की, कहाँ से इंस्पायर्ड हुई, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएँ। ये मेरा खुद का ड्रीम है कि मैं भारत को सभी जा घूमूं और फोटो डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, यही मेरा ड्रीम है। और 6 महीने से पहले मुझे थोड़ा बाइक से चलाने में लाइक व्हाट टू से आई कैन गो टू एनी कॉर्नर, मैं कोई भी नुक एंड कॉर्नर जा सकता हूँ, पीपल को मीट कर सकता हूँ और मुझे बहुत अच्छा कोई डिपेंड नहीं करने चाहिए, इसलिए ये आइडिया मुझे आया। और इसके दौरान से मैं वर्कआउट किया बहुत, मेनली माय पेरेंट्स, आई ऑलवेज से आई एम वेरी ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड टू माय पेरेंट्स बिकॉज दे आर माय वेरी बिग सपोर्ट। एंड जी हाँ, फैमिली सपोर्ट बेहद ज़रूरी होती है राधिका, और ये फैमिली सपोर्ट आपको मिला है। ऐसी फैमिली सभी की होनी चाहिए जो अपने बच्चों को सपना पूरा करने के लिए ज़रूर उनका साथ दे। राधिका, आप अपने दर्शकों से कहना चाहेंगी, राधिका की हिंदी जैसे अभी बैक स्टेज हम लोगों की बातें हो रही थी और उन्होंने कहा कि हिंदी उनकी बहुत अच्छी नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हिंदी अकॉर्डिंगली जैसा आपने कहा था वैसे काफी हद तक अच्छी और हमारे दर्शक जरूर समझ पाएंगे। राधिका, आप कब से इस मकसद पे निकली हैं, कब वो वक्त बताएं जरा जब आप बाइक से निकली पूरे भ्रमण के लिए। अप्रैल 9th में स्टार्ट किया, अभी तक 1 महीना हुआ और 5 महीना है, दिस इज टोटली ऑफ 6 months एंड आई हैव जस्ट फिनिश्ड टिल रांची, दैट इज 5-6 days आई हैव फिनिश्ड एंड आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, नॉर्थ, देन वेस्ट, देन बैक टू साउथ। चलिए तो अपने दर्शकों को जरा बता दें कि 19 मई से इन्होंने शुरुआत की थी, हैदराबाद आप गई हैं बाइक से, उसके बाद अप्रैल 9th से आपने इसकी शुरुआत की है और हैदराबाद, रायपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता के बाद अब आप रांची पहुंची हैं। हर जगह कैसा रिस्पांस मिला, लोगों से कैसे आप, जब आप लोगों से मिली तो कैसा रिस्पांस था उनका? बहुत खुश थे क्योंकि एक लड़की ऐसा जा रही है, वो गुड रिस्पांस, दे आर रियली सपोर्टिव एंड टिल नाउ आई हैव फेस्ड ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जी इन मी बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर अ कॉज ऑफ स्प्रेडिंग लव, हैप्पीनेस एंड पीस। ये उसको मैं कोई भी आदमी को देखता हूँ उसको साथ लाइक आई टॉक टू देम, आई गिव स्माइल, आई एक्सपेक्ट दैट सेम स्माइल फ्रॉम दैट पर्सन। मैं उसी हंसी को मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सभी जगह बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। चलिए, ये एनर्जी आपकी बरकरार रहे, हमारे भी बेस्ट विशेज आपके साथ है राधिका। लेकिन अलग अलग जगहों पर जाना, भारतीय सभ्यता हमारी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग सोच विचार के लोग हैं, कैसा लगता है जब अलग अलग लोगों से बहुत जल्दी जल्दी, अभी आपने जैसा हैदराबाद आप गई, कोलकाता गई, रायपुर गई, अलग अलग सोच विचार के लोग, तो कैसा लगा हर इंसान से मिलकर?
बहुत डिफरेंट है, फूड डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल क्लाइमेट जी क्लाइमेट डिफरेंट है, और टेंपल्स, एवरीथिंग, प्लेस, एवरीथिंग इज डिफरेंट. जस्ट एज आई एम ट्रैवलिंग, जस्ट एक घंटे के लिए थोड़ा सेट होना, सेट होने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद फूड सब सब चीज़ मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहूँगी ऐसे ही. चलिए, बहुत बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह के सोच को रखकर. नॉर्मली हम देखते हैं कि इस तरह के जो शौक़ होते हैं, बाइक राइडिंग की अगर बात करें, तो लड़के ज़्यादातर इसमें आगे बढ़ते हैं, पर आप एक लड़की होकर के इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, तो वाकई हैट्स ऑफ राधिका, आप बहुत अच्छा कर रही हैं. और क्या कुछ मोटो है आपका, जिस किस मकसद से आप भारत भ्रमण पर बाइक से निकली हैं? मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आई एम डूइंग दिस फॉर द कॉज ऑफ स्प्रेडिंग लव, हैप्पीनेस एंड पीस. सो इफ देयर इज, इफ मैं आपके साथ प्यार बांट रही हो, तो वहाँ पे हैप्पीनेस मिलता है जी, और वो हैप्पीनेस से वहाँ पे पीस मिलता है, शांति मिलती है. सो दिस इज माय मोटो एंड आई डू इट इन एवरी प्लेस हूएवर आई मीट. चलिए, आपकी जो ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी हो, और हर जगह मुझे उम्मीद है कि आपको वो प्यार, वो खुशियाँ, वो सुकून ज़रूर मिल रही होगी. थैंक यू. चलिए, क्या कुछ परेशानियाँ आई, आप 19 अप्रैल से निकली हुई हैं, क्या कुछ परेशानियां आई हैं आपको अभी तक? परेशानियां अब तक कुछ नहीं है, सिर्फ सीजन का परेशानियां थी, क्योंकि वो बहुत हॉट है, बहुत हॉट, एंड ड्राइविंग करने के समय में ये जैकेट सब है, कोई दिक्कत नहीं होती है. फुल स्पीड में जाता हूँ, लाइक अराउंड 100-110 में जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फुल हेलमेट, फुल सेफ्टी लगाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कहीं पे रुक जाए तो जस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट स्टार्ट्स लाइक स्वेटिंग, स्वेट हो, स्वेट कांट बेर इट, एंड आई फील, मैं उस टाइम पे व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग आई फील बैड फॉर पीपल, दे डोंट वेयर हेलमेट, ऐसे ही जाते हैं, और इस धूप में छोटे छोटे बच्चों को लेके कुछ सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ही जाते हैं. मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है उस टाइम पे, आई फील सो बैड फॉर देम एक्चुअली. चलिए, ज़रूर वैसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि अपनी सुरक्षा का ख्याल जरूर खुद जरूर रखें, हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी उस सिचुएशन में बचा सकती है जब किसी एक्सीडेंट की गुंजाइश होती है, इसलिए हेलमेट ज़रूर पहने. चलिए राधिका, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, खासकर लड़कियां जो हमें देख रही हैं, वो आपसे ज़रूर इंस्पायर्ड हो रही होंगी. तो चलिए, दिखाते हैं कि कैसे आप भ्रमण पर निकली हैं, और हमारे संवाददाता अविनाश, माफ़ करेंगे, अंजनी ने इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया. बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी, और झारखंड सरकार भी ये ज़रूर कहती है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को आगे पढ़ाओ. लेकिन आज जो हमारे साथ है राधिका रॉय, एक ऐसी बेटी है जो तमिलनाडु से निकली है, और वो भी इस ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, इसी से ये निकली है, और ये पूरे देश का भ्रमण करेगी और रांची पहुंची है. और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर राधिका जी, सबसे पहले न्यूज़ 11 आपका स्वागत करता है रांची आने पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कब आप घर से निकली हैं और क्या संदेश देने का प्रयास कर रही हैं? मैं अप्रैल 9th निकला हूँ घर से, एक महीना हो गया और 5 महीना बाकी है, क्योंकि मेरा ये जर्नी 6 मंथ्स का है. अब जो है, क्या संदेश क्या देना है? हाँ. क्या थीम है? हाँ, आई एम ये तो मैं I am doing for the cause of spreading love, happiness and peace. So if I give love, there will be happiness, and there will always form a peace, and we can spread happiness and we can spread lots of smile in people. That is what. एक सवाल ये है कि जब आप घर से निकली हैं, इतना एक लंबी यात्रा है, क्या मन में रहा, घर के लोगों का क्या रिएक्शन था, दोस्त लोगों का क्या रिएक्शन था?
सब मुझे इंकरेज कर रहे थे क्योंकि उसको सब लोगों को मालूम है कि मैं बहुत चैलेंजिंग हूँ लाइफ में, बहुत एडवेंचरस हूँ, मुझे ये सब बहुत पसंद है, इसलिए सब सबके लिए बहुत विश्वास था कि राधिका ज़रूर ये फुलफिल करके आएंगे, हम हैं आपके साथ, तो अब जाइए और सक्सेस करके आ जाइए, वही था मेरा। अच्छी आप आई, यहाँ बच्चों से मिली, स्कूल के टीचर्स से बातचीत हुई, यहाँ कैसा लगा? बहुत खुश, बहुत खुश, बिकॉज आई लाइक टू मीट यंग पीपल बिकॉज दे आर द फ्यूचर। सो HM पब्लिक स्कूल के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आई फील सो ग्रैटिट्यूड फॉर देम टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई कुड कन्वे सो मेनी मैसेजेस टू चिल्ड्रंस एंड आई फील सो हैप्पी। भारत भ्रमण करने के बाद क्या विश्व का भी भ्रमण करने का कुछ एम है? जरूर जरूर जरूर, ये भारत फिनिश, भारत इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज देर इज सो मच टू एक्सप्लोर इन इंडिया, पीपल जस्ट ट्रैवल वर्ल्ड एंड सी, बट देर इज सो मच इन इंडिया, आई विल फिनिश इंडिया एंड देन गो टू वर्ल्ड नेक्स्ट। चलिए, एक अच्छी थीम है कि लोग खुश रहें और आपस में भाईचारा बना रहे, लेकिन बेटी है राधिका रॉय जो पहले भारत को देखना चाहती है तब विश्व का दर्शन करेगी, लेकिन इससे जरूर लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। न्यूज 11 के लिए कैमरामैन राजा के साथ अंजनी कुमार, रांची। लव, हैप्पीनेस और पीस, और इसी मकसद के साथ राधिका निकली हैं भारत भ्रमण पर, और हमारी बेस्ट विशेस राधिका के साथ हैं, जो उनका मोटो है, जो वो पूरे भारत में स्प्रेड करना चाहती हैं, उस मकसद पे वो ज़रूर कामयाब हो। राधिका के पास चलते हैं, बात करते हैं। राधिका, काफ़ी महंगे शौक है, कैसे फुलफिल सब कुछ हो पाया, इसके बारे में ज़रा बताएँ। उसके लिए बहुत वर्कआउट करना पड़ा, लाइक ये मेरा बाइक है 150 केजी और लगेज सब डाल के वो है 200 केजी, तो मैं हूँ ये इज लाइक 6 months के बिफोर आई टुक अप दिस एंड टोल्ड माय पेरेंट्स, आई टोल्ड माय मदर, एवरीबडी एक्सेप्टेड, उसके बाद इट कम्स टू मी, आई अप्रोच्ड मेनी राइडर्स टू गाइड मी, सो कैसा ये लेना है, हाउ टू प्रोसीड दिस, हाउ टू टेक फॉरवर्ड। वो उस समय पे आई गॉट लॉट्स ऑफ नेगेटिव ऑल्सो बिकॉज आई वॉज इन अंडरवेट, नॉट इन गुड वेट, सो आई चैलेंज्ड माई सेल्फ टू पुट अप वेट सो दैट आई कैन मैनेज एंड आई कैन ड्राइव एनी वेयर, and I learned self defensing boxing to make myself more confident, तो कोई भी चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा तो मैं इजीली कर सकता हूँ ऐसे। और उसके बाद मोटरसाइकिल में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी थोड़ा इमरजेंसी के लिए कुछ एक वन वीक के लिए मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हर तरफ से अपने आप को आपने मजबूत किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहद जरूरी है राधिका, जो आपने इम्प्रूव की है, और फैमिली का सपोर्ट तो मिला है, और जो भी चैलेंजिंग, जो भी रास्ते पे जब आप ड्राइव कर रहे हो उस वक्त क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, इसके लिए भी आपने ट्रेनिंग ली है। चलिए, और भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भारत की लड़की जो कुछ करने के लिए निकली है, हमें हम सब की ज़रूरत है कि हम सब उनका सपोर्ट करें। राधिका के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।